नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भारत में विकसित कोविड टीका कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी में और देरी होगी। वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक को और तकनीकी सवाल भेजे हैं। इस झटके से भारतीयों खासकर छात्रों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस मंजूरी के बिना कोवैक्सीन को दुनिया भर के अधिकांश देशों द्वारा वैक्सीन नहीं माना जाएगा। देरी का संकेत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उस बयान के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि कोवैक्सीन को जल्द ही कभी भी मंजूरी मिल सकती है। ये थी एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।